हेलो माय ब्यूटीज, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लश विद सुपर्णा। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज 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 सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर देना, और ये जो घंटी वाला बटन है ना, इसको भी प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप ये प्रेस कर दोगे तो मैं जब भी वीडियो डालूंगी तो आपके पास पहले 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 पहुंच जाएगा। तो आज मैं बात करने वाली हूँ टॉप 10 फेस वॉश के बारे में, वो है ऑयली एक्ने प्रोन एंड पिंपल प्रोन स्किन के बारे में। फेस वॉश इज सच एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर स्किन केयर रेजिम, एंड वी नीड टू सिलेक्ट द प्रोडक्ट वी यूज विद केयर। पीपल ऑफन टेंड टू वॉश देयर फेसेस with soaps, which is extremely wrong practice, which can affect your skin severely in long term. You should first understand your skin type, then select the face wash accordingly. तो अब ज्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो फेस वॉश के बारे में बात करने वाली हूँ वो है हिमालया का ये नीम फेस वॉश। ये आपको बताया गया गाइस कि बहुत ही पॉपुलर फेस वॉश है, मतलब हर किसी के घर में हमारे मतलब रहते ही रहते हैं। तो ये वाला फेस वॉश बहुत ही अच्छा है, हिमालया का प्यूरिफाइंग नीम फेस वॉश है। इसमें क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि इट प्रिवेंट्स पिंपल्स, इसमें क्लियरली मेंशन किया हुआ है। ये वाला फेस वॉश ऑल स्किन टाइप्स के लिए आप यूज कर सकते हैं, और पिंपल्स के लिए तो जरूरी ही आप इसको यूज करें, ठीक है। तो अब बहुत सारे लोग इसको यूज करते हैं मतलब नॉर्मली, तो उनका भी रिव्यू बहुत ही अच्छा है इस फेस वॉश के बारे में। और इसकी जो अच्छी बात है कि इसकी स्टार्टिंग प्राइस भी बहुत ही कम है। ये वाला मेरे पास जो अभी है वो 150 ml का है, एंड इसका MRP है ना 155 rupees पड़ता है। लेकिन इसकी अच्छी बात जो है, ये 15 rupees की छोटा वाला एक पैक आता है, ऐसा इतना सा इतना सा होता है, ठीक है। वो आपको इजीली कोई भी ग्रोसरी शॉप में आपको मिल जाएगा, अवेलेबल रहता है। ग्रोसरी शॉप के आपको पान शॉप जो होता है ना छोटे छोटे मतलब रोड साइड में, उसमें भी आपको ये छोटा वाला वर्जन मिल ही जाता है, 15 rupees का आता है इसका ना। नॉर्मली एक तो जेल फॉर्म में आता है ये वाला फेस वॉश, ऐसे जेल फॉर्म में आता है, और एक जो है इसका फोमिंग भी आता है, ठीक है। अभी मतलब हाल ही में निकला हुआ है हिमालय प्यूरिफाइंग नीम फोमिंग फेस वॉश, ये भी पिंपल के लिए अच्छा है। ये मतलब डिफरेंस जो है वो है, ये जेल है और ये फोमिंग है, ठीक है। ये बेसिक डिफरेंस है, और बाकी इंग्रेडिएंट्स वगैरह नॉर्मली एक ही जैसा है। और अगर हम इसके इंग्रेडिएंट की बात करें तो इसमें ना नीम है, टर्मरिक है। आपको तो पता ही है कि नीम हमारे स्किन के लिए मतलब एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है नीम में, ठीक है। तो ये भी हमारे स्किन के लिए नीम तो बहुत ही अच्छा है, और इसमें टर्मरिक है। टर्मरिक हमारे एक्ने पिंपल जो होते हैं ना उसको कंट्रोल करने में बहुत ही हेल्प करता है। और अगर इस फेस वॉश को लेके मेरे एक्सपीरियंस की बात की जाए तो मेरा एक्सपीरियंस ना गाइस उतना अच्छा नहीं था, क्योंकि मेरे स्किन ना बहुत ही ज्यादा ड्राई हो गए थे इस फेस वॉश को यूज करने के बाद, एंड मेरे पिंपल वगैरह तो कुछ कम हुआ नहीं था, और ऊपर से स्किन बहुत ही ज्यादा ड्राई हो गए थे, तो मुझे उतना खास अच्छा नहीं लगा था ये वाला फेस वॉश। लेकिन मेरी मम्मी घर पे ये वाला फेस वॉश यूज करती है तो उसके स्किन में बहुत ही अच्छा जाता है, कोई मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ड्राई वगैरह ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे स्किन के लिए स्किन के ऊपर ये अच्छा नहीं गया था, तो यही बात है। आप इसको भी पिंपल जो पिंपल प्रोन आपकी स्किन है तो आप इस फेस वॉश को यूज कर सकते हैं। अब जो फेस वॉश है वो है RCM का नाइसा T3 फेस वॉश, ये वाला फेस वॉश। ये वाला फेस वॉश ना अफोर्डेबल ही होता है बहुत ही ज्यादा, तो ये आपका ना मतलब कोई भी RCM का जो स्टोर होता है ना, RCM की स्टोर में आपको एकदम डिस्काउंट में इसको मिल जाएगा। ये वाला प्रोडक्ट ना 60 ml का आता है, 70 rupees का पड़ता है। लेकिन आप इसको ना कोई भी RCM जो स्टोर होता है ना, RCM ब्रांड का जो स्टोर होता है वहाँ अगर आप जाओ तो आपको ना इजिली ये डिस्काउंट में मिल जाएगा। ये आप किसी भी स्किन टाइप्स के लिए यूज कर सकते हैं, मतलब ऑल स्किन टाइप इसको यूज करें। इसमें टीट्री ऑयल है, एज यू ऑल नो कि टीट्री ऑयल इज नथिंग बट अ ब्लेसिंग फॉर ऑयली स्किन, एंड दिस फेस वॉश इज एनरिच्ड विद टीट्री ऑयल गाइस। इट क्लींजेस योर स्किन एंड रिमूव्स द पिंपल कॉजिंग बैक्टीरिया, इट कंट्रोल्स एक्सेसिव ऑयल सिक्रेशन ऑल्सो।
इसमें ना एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होते हैं, और इसमें ना मतलब हमारे स्किन में अगर कोई पोर्स हो ना तो उसको भी जेंटली मतलब क्लीन करने में ये हमारी बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। कभी कभी होता है ना पिंपल तो चला जाता है लेकिन उसका धब्बा छोड़ जाता है, ठीक है। अगर आप इस फेस वॉश को रेगुलर बेसिस में मतलब डेली बेसिस में यूज करें ना तो वो जो मतलब होता है ना कुछ स्पॉट्स वगैरह रह जाता है पिंपल्स का, तो वो वाला प्रॉब्लम भी आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो ऑयली पिंपल प्रोन स्किन आप इस फेस वॉश को भी जरूर यूज करें। अब जो फेस वॉश है वो है पतंजलि का फेस वॉश, पतंजलि का हनी ऑरेंज फेस वॉश। ऐसे कि आप लोगों को पता है कि पतंजलि एक आयुर्वेदिक ब्रांड है और ये वाला फेस वॉश क्लेम करता है कि इट मॉइस्चराइजेस, क्लींजेस एंड रेजुविनेट स्किन। तो पहले मैं अगर इसकी प्राइस की बात करूं तो ये वाला मेरे पास जो है ये 45 रुपीज का आता है ये वाला फेस वॉश, एंड ये 60 ग्राम का प्रोडक्ट है इसके अंदर। और इसका टेक्सचर मैं आपको दिखाती हूँ, टेक्सचर ऐसा है, जेल बेस्ड टेक्सचर है इसका। ये वाला फेस वॉश भी आपके ऑयली एक्ने प्रोन स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। ये आपका 100% सोप फ्री है, बहुत ही अच्छे से हमारे स्किन को मतलब डीपली क्लींस करता है ये वाला फेस वॉश। ये वाला फेस वॉश पूरा का पूरा नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनता है एंड इट एक्चुअली मेड फॉर ऑयली एक्ने प्रोन स्किन। ओके, इसमें नीम है, तुलसी है एंड हल्दी है, तो ये तीनों चीज ही हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। ये हमारे मतलब स्किन को डिसइंफेक्टेंट करता है, जो पिंपल वगैरह होता है उसको होने से मतलब रोकता है। ये हमारे स्किन से जो इम्प्यूरिटीज होते हैं ना उसको एकदम बहुत ही अच्छे से दूर करता है, और ये नेचुरल एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है। इसमें मेथी है, मेथी हमारे स्किन को एक अच्छा सा फ्रेशनेस प्रोवाइड करता है। इसमें एलो जेल है, हनी है। एलो जेल के बारे में तो कुछ बोल ही नहीं सकती मैं, एलो जेल तो एक मतलब मैजिक वाला चीज होता है, ठीक है। अगर आप सस्ते में कुछ मतलब अच्छा खासा प्रोडक्ट ढूंढ रहे हो तो आप इस प्रोडक्ट को जरूर यूज करें। अब जो फेस वॉश है वो है एवरयूथ का फेस वॉश, एवरयूथ का ब्राइटनिंग लेमन एंड चेरी फेस वॉश। ये वाला फेस वॉश आपके बहुत सारे साइजेस में मिलता है। मेरे पास अभी जो है वो है 100 ग्राम का प्रोडक्ट है। 100 ग्राम का प्रोडक्ट आपका एमआरपी पड़ता है 110, ये आपका 50 ग्राम में मिलता है। 50 ग्राम का आपका प्राइस पड़ता है 75 या 65 ऐसा कुछ पड़ता है। ये 100% सोप फ्री है, इसमें लेमन है, चेरी है, और लेमन जो होता है ना, लेमन हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। स्किन में क्या होता है काफी टाइम मतलब टैन जब पड़ जाता है ना, तो अगर आप लेमन यूज करें ना वो टैन बहुत ही मतलब इंस्टेंट आपका वो टैन वाला चीज जो होता है ना वो आपका रिमूव होता है, तो ये एक अच्छी बात है। इसमें लेमन है, इसमें चेरी है, चेरी हमारे स्किन के लिए भी बहुत ही अच्छा है। वो ना हमारे स्किन को ना बहुत एक अच्छा वो जो पिंकी सा ग्लो होता है ना वो वाला ग्लो प्रोवाइड करता है चेरी। और समर में ना हमारे स्किन में बहुत ज्यादा टैन पड़ जाते हैं, तो अगर आप ये वाला फेस वॉश यूज करें तो आपकी स्किन में जो टैन वगैरह पड़ जाता है वो भी रिमूव हो जाता है। एंड ये वाला फेस वॉश ना हम अगर आपकी स्किन में बहुत ज्यादा एक्सेस ऑयल हो रहे हो तो एक्सेस ऑयल को भी ये मतलब खींच के पूरा निकालता है। और अगर हम इसकी फ्रेग्रेंस की बात करें तो इसका फ्रेग्रेंस में ना मतलब एकदम वो जो लेमन एंड हनी सा होता है ना वैसा एक फ्रेग्रेंस है। एंड इसकी टेक्सचर मैं आपको दिखाती हूँ, आप देख सकते हो। और इसमें ना छोटे छोटे जब मैं आपको टेक्सचर दिखा रही थी इसमें ना छोटे छोटे बीड्स होते हैं, ठीक है। वो बीड्स भी हमारे स्किन को मतलब जो वो ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स एंड जो होता है ना डर्ट वगैरह होता है ना वो सबको बहुत ही मतलब स्मूथली रिमूव कर देता है। ये नहीं कि बीड्स बहुत बड़ा बड़ा है, बीड्स छोटा छोटा बीड्स है, ठीक है। तो आपके स्किन को कोई हार्श नहीं पहुंचाएगा, फिर बहुत अच्छे से मतलब क्लीन कर देता है। मैं इस फेस वॉश को 2-3 बार यूज कर चुकी हूँ, मुझे काफी अच्छा लगा था ये वाला फेस वॉश। तो अगर आप ऑयली पिंपल प्रोन कुछ ऐसे स्किन के लिए मतलब फेस वॉश ढूंढ रहे हो तो आप ये वाला फेस वॉश जरूर यूज करें। अब जो फेस वॉश है वो है क्लीन एंड क्लियर का फोमिंग फेस वॉश। ये फेस वॉश भी ऑयली स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। इसका भी बहुत ही एक अच्छी बात है जो है ये छोटा सा एक बॉटल में आता है। इसका मतलब अभी मेरे पास जो है इसका क्वांटिटी है 50 ml, ठीक है। इसके प्राइस MRP लिखा हुआ है 70 rupees, ठीक है। लेकिन आप इसका मतलब छोटा वाला भी बॉटल मिलता है, तो वो है मतलब 15 rupees का एक छोटा सा बॉटल है, वो भी आपको मतलब किसी भी ग्रोसरी शॉप में, पान शॉप में आपको इजीली मिल जाएगा, तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। पिंपल एंड ऑयली स्किन के लिए ये बहुत ही अच्छा है। ये जो अच्छी बात है ये जॉनसन एंड जॉनसन बहुत ही फेमस एक ब्रांड है, आपको बताया गाइस। जॉनसन एंड जॉनसन का ये वाला फेस वॉश है, इसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि ये ऑयल फ्री है,
ये जेंटली रिमूव्स डर्ट ऑयल एंड पिंपल कॉजिंग जर्म्स, ठीक है, इसमें क्लियरली मेंशन किया हुआ है। ये हमारे मतलब जो ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स है उसको भी बहुत ही अच्छे से रिमूव कर देता है। तो मैं जब स्कूल में थी दैट टाइम मैं ये वाला फेस वॉश यूज की थी, तो इसका ना मैं बहुत सारे बॉटल ही दैट टाइम यूज की थी, मतलब अभी मैं इसको यूज नहीं करती, और दैट टाइम मैं इसको बहुत सारे बॉटल इसका यूज की थी। तो इसका ये मतलब ऑल स्किन के लिए ही अच्छा है, सिर्फ पिंपल मैं नहीं बोलूंगी, ये आप कोई भी स्किन टाइप्स में यूज कर सकते हैं, लेकिन ऑयली जो स्किन टाइप्स है उसमें आप इसको जरूर यूज करें। ये बहुत ही अच्छा फेस वॉश है। और इसके ना जो इंग्रेडिएंट की अगर मैं बात करूँ, बेसिकली इसके इंग्रेडिएंट कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है, तो मैं इसके इंग्रेडिएंट क्या है मैं बता नहीं सकती। तो अगर आप ऑयली एंड पिंपल स्किन से जूझ रहे हो तो आप इस फेस वॉश को जरूर यूज करें। अब जो फेस वॉश है वो है डव का फेस वॉश। डव का ये डीप प्योर ऑयल कंट्रोल फेशियल क्लींजर। अब इसके बारे में अलग से क्या बताऊं, इसके तो नाम में ही लिखा हुआ है कि ये डीप प्योर ऑयल कंट्रोल फेशियल क्लींजर है, मतलब ये फेस पे स्किन पे जो ऑयल है उसको मतलब कंट्रोल करता है, इसके तो नाम पे ही लिखा हुआ है। ये वाला जो फेस वॉश है ना ये डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है, ये इसकी अच्छी बात है। तो आप ये वाला फेस वॉश ऑयली कॉम्बिनेशन स्किन, ड्राई स्किन, सब स्किन में यूज कर सकते हैं। अगर मतलब ड्राई स्किन की अगर बात करें तो ड्राई स्किन में ना मतलब ये वाला फेस वॉश बहुत ही मिल्की सा होता है, मतलब इसका टेक्सचर मैं आपको दिखाती हूँ। तो आप इसका टेक्सचर देख चुके हो कि ये बहुत ही मिल्की सा है। तो आप अगर ड्राई स्किन में भी इसको यूज करें तो एक्सेस आपकी स्किन में जो ऑयल होता है ना उसको ही बस ये रिमूव करता है, आपकी स्किन को मतलब ड्राई नहीं बनाता है। तो आप ड्राई स्किन वाले भी इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है, आपकी स्किन एकदम टेंशन मत होइएगा, आपकी स्किन एकदम ड्राई नहीं होगी, खड़खड़े खुड़खुड़े ऐसा कुछ नहीं होगा। तो आप इस फेस वॉश को हर स्किन टाइप में आपको यूज करें आप लोग। अभी मेरे पास जो है उसका मतलब क्वांटिटी है 50 ग्राम का एंड इसका MRP पड़ता है 175 रुपीज। तो आपको ना इजीली मतलब कोई भी दुकान में हल्का फुल्का सा डिस्काउंट में आपको मिल जाएगा, तो आप परचेज कर सकते हो। और ये डव का खुशबू शैम्पू बोलो, फेस वॉश बोलो, साबुन बोलो, कुछ भी मतलब स्मेल इसका ना एकदम मतलब यूनिक सा होता है, बहुत ही अच्छा एक फील देता है। और इसमें न्यूट्रिम मॉइस्चर है, न्यूट्रिम मॉइस्चर ना हमारे स्किन को बहुत ही अच्छे से ना मॉइस्चराइज करता है। और इसमें ना ग्लिसरीन है जो हमारे स्किन को मतलब एक अच्छा खासा नरिशमेंट देता है। तो मैं ये फेस वॉश को एक दो बार यूज की थी, ठीक है, मतलब एक दो पैक इसका यूज की थी तो मुझे अच्छा लगा था। तो आप भी मतलब ऑयली स्किन, एक्ने प्रोन, ड्राई स्किन, सेंसिटिव स्किन, कोई भी आपकी स्किन के हो ये वाला फेस वॉश आप यूज कर सकते हैं। अब जो फेस वॉश है वो है पम का ग्रीन टी ट्री फेस वॉश। तो ये वाला फेस वॉश मुझे काफी अच्छा लगा था, ठीक है। तो अब आते हैं इसके जो गुनावली है उसके ऊपर, ठीक है। ये वाला फेस वॉश बहुत ही ज्यादा जेंटल है एंड सोप फ्री फेस वॉश है। और इसमें ना छोटे छोटे बीड्स होते हैं, ठीक है, वो ना क्या करता है हमारे स्किन को क्लींस करने के साथ साथ ना स्क्रब भी कर देता है थोड़ा बहुत, ठीक है, ये अच्छी बात है इसकी। इसमें ग्रीन टी लीव्स होता है एंड ना सेलुलोज भी होता है और भी बहुत कुछ होता है इसमें। ये ना ऑयली एक्ने प्रोन, पिंपल प्रोन स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। और इसका अच्छी बात जो है ना इसके अगर मतलब आपकी स्किन में कोई पोर्स होते हैं ना उसको भी अनक्लॉग करने में ये आपकी हेल्प करता है। और पिंपल को तो छोड़ ही दो, उसको तो बहुत दूर दूर तक भगा देता है। अगर मेरी पसंद की बात करें तो मुझे ये प्रोडक्ट कुछ ऐसा मतलब ठीक ठाक सा लगा था, उतना कुछ खास पसंद नहीं था। तो अगर आप बोले कि मुझे मतलब क्यों ये वाला फेस वॉश अच्छा नहीं लगा, तो ये क्या हुआ था ना मेरे स्किन में कोई ग्लो वगैरह कुछ प्रोवाइड नहीं कर रहा था, फेस जो ना मतलब एक कैसा डल सा लग रहा था। लेकिन हाँ पिंपल की अगर बात करें तो पिंपल को ना ये 100% भगा देता है, लेकिन हाँ ग्लो ये प्रोवाइड नहीं करता है, ये इसकी जो डिमेरिट मुझे लगी थी, ठीक है। तो ऑयली एक्ने प्रोन स्किन के लिए अगर आप फेस वॉश ढूंढ रहे हो तो आप इस फेस वॉश को जरूर यूज करें। जो फेस वॉश है वो है आहा ग्लो का जेल फेस वॉश, ये वाला फेस वॉश। तो ये भी बहुत ही अच्छा है ऑयली स्किन के लिए, मतलब वो जो पिंपल वगैरह आता है उसके लिए ये फेस वॉश भी आप मतलब यूज कर सकते हैं। ये भी बहुत ही अच्छा फेस वॉश है। ये वाला फेस वॉश आपको 30ml, 50ml एंड 100ml ये तीनों वेरिएंट में मिल जाता है। तो आप इजीली आपको जो भी अच्छा लगे वो परचेज कर सकते हैं। आपको मैं बोलूंगी कि आप छोटा बॉटल ही किसी भी फेस वॉश का अगर आप नए यूज कर रहे हो तो छोटा वाला जो वर्जन होता है, छोटा वाला जो बॉटल होता है उसको ही पहले यूज करें, क्योंकि आपकी स्किन में वो सूट कर रहा है या ना कर रहा है आप
इसे वो जान जाओगे, फिर आपका आप उसका बड़े वाले जो बॉटल होते हैं उसको यूज कर सकते हो। इसमें ग्लाइकोलिक एसिड है। ग्लाइकोलिक एसिड की अगर बात करें, ग्लाइकोलिक एसिड हमारे स्किन को हाइड्रेट करता है, बहुत ही अच्छे से एक्सफोलिएट करता है, और ग्लाइकोलिक एसिड हमारे फाइन लाइंस एंड रिंकल्स को भी रोकता है। तो ये भी मतलब एक्ने प्रोन जो स्किन है, पिंपल प्रोन जो स्किन है, वो इसको मतलब आंख बंद करके यूज करे, ये आपको जो भी पिंपल एक्ने है उसको रोकने में हेल्प करेगा, ठीक है। और इस फेस वॉश की और एक जो बात है, इसमें ना छोटे छोटे बीड्स रहते हैं, ठीक है, तो वो बीड्स आपका क्या हेल्प करेगा, आपके जो मतलब हमारा जो ब्लैक हेड्स या व्हाइट हेड्स हो जाता है ना यहाँ पे, तो अगर आप हम थोड़े देर उसको रब करेंगे ना, वो जो छोटा छोटा जो मतलब जो दाना जैसा रहता है, अगर हम उसको थोड़ा थोड़ा रब करेंगे ना, तो वो ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स भी आपका रिमूव हो जाता है, ठीक है। तो इस फेस वॉश की और एक ये अच्छी बात है, तो आप इसके लिए भी इसको यूज करें अगर ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स का आपका प्रॉब्लम हो रहा है। अगेन ये फेस वॉश भी आपका मतलब ऑल स्किन का स्किन टाइप्स के लिए है, आप ऑयली ड्राई या सेंसिटिव जो भी स्किन है आप उसको यूज करें, बट ऑयली स्किन तो इसको मस्ट यूज करें। तो इस फेस वॉश को भी मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ कि आप ऑयली पिंपल प्रोन एक्ने प्रोन स्किन के लिए आप इसको जरूर यूज करें। अब जो प्रोडक्ट है वो है सेटाफिल की ऑयली स्किन क्लींजर, ठीक है, ये वाला प्रोडक्ट। इसके दो वेरिएंट होते हैं, मतलब दो बॉटल इसका आता है कि एक सेटाफिल की ऑयली स्किन क्लींजर, और एक होता है ना सेंसिटिव स्किन के लिए भी और एक बॉटल आता है। तो आप अपने स्किन टाइप के बेसिस से इसको आप यूज कर सकते हैं। ये वाला प्रोडक्ट आपका डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है। ये वाला फेस वॉश बहुत ही माइल्ड सा फेस वॉश होता है, और अगर आपकी स्किन में ऑयल है, पिंपल है, तो ये आपके स्किन से वो पिंपल वगैरह को दूर कर देता है, और एक्सेस जो ऑयल है ना, वो एक्सेस ऑयल डर्ट को ये अच्छे से रिमूव कर देता है। तो मुझे ये अच्छा लगा था क्योंकि ना ये बहुत ही अच्छे से ना मेकअप जो है ना, मेकअप को रिमूव बहुत ही अच्छे से करता है। और ये वाला फेस वॉश ना मतलब माइल्डेस्ट, अगर फेस वॉश बोलो ना, ये वाला फेस वॉश एकदम माइल्डेस्ट फेस वॉश है। तो मतलब लगता ही नहीं कि फेस में कुछ यूज कर रहे हैं, मतलब इतना मतलब अच्छा वाला फेस वॉश है ना, मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो आप ऑयली पिंपल प्रोन स्किन इस फेस वॉश को भी जरूर यूज करें। लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, आहा ग्लो का एस फॉर्मिंग फेस वॉश। तो करेंटली ये मेरा फेवरेट फेस वॉश है नावडेज, क्योंकि मैं इसको ना मतलब नियर अबाउट 2 साल से यूज कर रही हूँ। डॉक्टर ने मुझे इसको रिकमेंड किया था कि क्योंकि बीच में ना बहुत ज्यादा पिंपल हो गए थे, मतलब इतने ज्यादा पिंपल हो गए थे कि मुझे ना डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ा था। तो मैं जब डॉक्टर के पास गई थी तो उन्होंने मुझे ये आहा ग्लो का फेस फॉर्मिंग फेस वॉश दिया था, एंड इसको यूज करने के बाद मेरे मतलब पिंपल पूरा ही गायब हो गया। तो कब मतलब जब होता है ना थोड़ा मॉनसून का सीजन आता है, जैसे कि अभी चल रहा है मॉनसून के सीजन में, एक दो पिंपल आते हैं, मतलब वो नॉर्मल है, मतलब पूरा खुदरा खुदरा हो जाता है तो फिर बहुत गंदा लगता है ना। तो अगर इस फेस वॉश को यूज करने के बाद मेरा वो वाला जो प्रॉब्लम था सारे के सारे गायब हो गए। और अगर आप इसकी क्वांटिटी की बात करें तो ये 2 बॉटल में आता है, एक 60 ml का बॉटल आता है और एक 100 ml का बॉटल आता है। मेरे पास करेंटली अभी जो है वो है 100 ml का बॉटल। तो 60 ml का जो बॉटल है वो आपका पड़ता है 400 समथिंग कुछ पड़ता है, लेकिन डिस्काउंट देके ना, मतलब जो आपका ऑनलाइन जो मेडिसिन वाला वेबसाइट होता है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, तो आप वहां से अगर परचेज करो तो आपको 385 ऐसा कुछ डिस्काउंट देके पड़ता है। वो मतलब वेरी करता है टाइम टू टाइम, आप चेक कर लीजिएगा। और जो 100 ml वाला फेस वॉश है इसका प्राइस पड़ता है 604, मतलब 604 रुपया इसका MRP है, लेकिन मुझे ये ना मिला था नियर अबाउट 500 ऐसा कुछ पड़ा था मेरा, ठीक है, मतलब वो भी मुझे डिस्काउंट में ही मिला था, तो मैंने उसको परचेज कर ली थी। मैं ना थोड़ी मतलब एक बॉटल स्टॉक में रखती हूँ क्योंकि जब कब खत्म हो जाए पता नहीं। तो इसका जो एक बहुत अच्छी बात है अगर बोलूँ मैं, क्या होता है मतलब नॉर्मली हमारा फेस वॉश अगर हम कम दाम का भी यूज करें ना, ये एवरेज अगर मैं बताऊँ तो मतलब नियर अबाउट क्या आपका 100 तो पड़ता ही होगा, मतलब 100 रुपया तो आपका मतलब महीना का खर्चा होता ही होगा फेस वॉश के पीछे। तो इसका जो है मतलब अच्छी बात है, ये अगर आप 100 ml की बॉटल भी अगर खरीदो तो मतलब आपका एक फेस वॉश अगर खरीदो तो मतलब आंख बंद करके आप उसको ना नियर अबाउट कितना बोले मैं, 8 महीने तक तो आराम से चल जाता है, ठीक है, 8 महीने तक चल जाता है, क्योंकि ये फोम बेस है ना, तो इसको पहले मतलब यूज करने से पहले थोड़ा सा शेक कर लीजिएगा, फिर इसको मतलब ऐसे यूज कीजिएगा। ये देखिए
ऐसा मतलब फोम हो जाएगा, फिर उसको मतलब फेस में थोड़ा लगा के रब कर लीजिएगा। मतलब आप 2 मिनट ऐसे थोड़ा सा रख के थोड़ा सा लाइटली मसाज करके फिर इसको यूज कीजिएगा। और अगर हम इसकी इंग्रेडिएंट की बात करें तो इसमें ना सैलिसिलिक एसिड है एंड ग्लाइकोलिक एसिड है। और अगर आप ऑयली स्किन से जूझ रहे हो तो आपको पता ही होगा कि सैलिसिलिक एसिड हमारे ऑयली स्किन वालों के लिए एक आशीर्वाद है। ये हमारे स्किन में जो ऑयल प्रोडक्शन होता है ना उसको भी रोकता है एंड एक्ने से फाइट करता है। इसमें भी ग्लाइकोलिक एसिड है, तो आप ग्लाइकोलिक एसिड के बारे में तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, ठीक है, तो आप उसको देख लीजिएगा ग्लाइकोलिक एसिड के फायदे जो भी है। और इसमें एलोजेल है, एलोजेल के बारे में अलग से मैं और क्या बताऊँ, ये तो मतलब आप सभी को पता है कि हमारे स्किन के लिए कितना बेनिफिट्स देता है एलोजेल। तो हमारे स्किन को ना सूथ करता है, हमारे स्किन में अगर कोई सनबर्न आ जाए तो उसको भी रोकता है। इस फेस वॉश के बारे में मैं नियर अबाउट सब बता चुकी हूँ, और अगर फिर आपको कोई डिटेल वीडियो चाहिए हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इस फेस वॉश के बारे में, और भी डिटेल वीडियो मैं बना दूंगी। ये फेस वॉश मेरा मतलब बहुत ही फेवरेट फेस वॉश है, तो आप इसको ज़रूर यूज़ करें। ऑयली पिंपल्स वाले स्किन एकदम मतलब आँख बंद करके यूज़ करें। तो मैं आपको ढेर सारी ऑप्शंस दे चुकी हूँ जो कि अफोर्डेबल है, स्किन के लिए अच्छा है, तो आप इसमें इनमें से जो भी अच्छा लगे आपको वो वाला फेस वॉश ज़रूर यूज़ करें। और मुझे कमेंट करके बताने से मत भूलिएगा कि कौन सा फेस वॉश आप अभी यूज़ कर रहे हैं, और मेरा बताया हुआ जो भी फेस वॉश है उनको यूज़ करने के बाद आपके स्किन में क्या चेंजेस आए हैं, क्या बेनिफिट्स आए हैं, वो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और मैं यहाँ पे जो टॉप 10 फेस वॉश के बारे में बोली हूँ, इसका अगर इनमें से कोई भी किसी का भी अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ऑब्वियसली लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब किए बिना जाइएगा मत यार। सब्सक्राइब एक लाइक कर दो, बहुत मेहनत की हूँ आप लोगों के लिए ना, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कोई भी अगर क्वेरी हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताने से मत भूलिएगा कि ये वाला मेरा प्रॉब्लम है। मैं हार्ट एंड सोल ट्राई करूंगी आपके जो प्रॉब्लम्स हैं, आपके जो क्वेरी है उन सबको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो अभी मैं चलती हूँ, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।